रखा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे बहुत गर्म लगता है। हम लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं पर जब हम वीडियो बनाते हैं तो ऊपर से कपड़े आ जाते हैं, पता नहीं कौन बेचारा बेचारा ये हंसी की बात है, उसकी बात पे ध्यान रखते हैं। मम्मा आप क्या कह रही थी? गाली दे। अरे बोलो स्वेटर के बारे में क्या कह रही थी? रात तो हम सो गए थे आराम से, मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं होता है। अभी मेरी मम्मी मुझे विश कर रही थी अच्छे से गले मिलकर कि अरे मेरा बेटा ये वो फलाना फलाना, तो मैंने अब कैमरा खोला कि अब मुझे अच्छे से विश करो जिससे मैं दूसरों को भी दिखा सकूं कि मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है, लेकिन अब वो नहीं बोल रही है यार। हमारा पेशेंट ये रही बीपी मशीन और यहाँ बीपी नप रहा है। हे गाइस तो अभी मैं हो चुकी हूँ जाने के लिए तैयार, मैं आउटफिट अपना आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इतने बड़े हुप्स नहीं पहने होंगे, लेकिन मैंने सोचा न्यू ईयर है तो कुछ न्यू करते हैं, तो फिर मैंने ये वाले हुप्स आज जाकर ट्राई करे हैं, तो आगे दिखाती हूँ मैं कहाँ जाती हूँ। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी इसके ऊपर मैं लूंगी जैकेट, ये रहा मेरा बैग, क्या हुआ मम्मा, ये रहा हमारा मास्क और चलते हैं। मैंने ले लिया अभी जैकेट इसके ऊपर, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, और मुझे ठंड से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मैं कोई भी फैशन नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसे मैंने। गाइस जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं व्लॉग करना भूल गई थी, नहीं कर रही तुझे अभी, मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है, और जब मैं आई तो मैं यहाँ पे व्लॉग करना भूल गई, मैं दोबारा से वो रिएक्शन नहीं ले सकती ना जैसे इसका आया था, क्योंकि इसे तो पहले से पता भी था कि मैं आने वाली हूँ, पर ये नहीं पता था कि मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, अभी दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसी है, कौन लड़की है, बदतमीज़ किस्म की हूँ शायद कि मैं कभी किसी को कुछ देती तो हूँ लेकिन ऐसे मतलब समझ रहे हो। तो अभी प्रिया ने मुझे वो दिया है बहुत सुंदर सा की चैन बोलते हैं, की चैन बोलते हैं की रिंग। तो मुझे उसने बहुत सुंदर सी की चैन दिया जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, क्या बोलते हैं इसे, ये मेरे लिए कुछ खाने को, जो कि मैंने मना करा कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन उसकी अच्छा यह था कि वो मेरे लिए कुछ खाने को बना रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाय गाइस, ओए मैं महंगी लग रही हूँ, किधर देखना है? Okay. मुझे भी यही प्रॉब्लम थी, मेरा सामान जल जाएगा तो उसका सामान जल जाएगा। इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है खुशी, जिनको नहीं पता मेरा नाम है खुशी, ये इसने यहाँ पे बना के रखा हुआ है जो कि काफ़ी प्रिटी लग रहा है, पहले तो ये थोड़ा न्यू था, देखिए ये है वो लड़की और ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, तो ये अपने टेबल पर रखा हुआ है। तो गाइस इस घर से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, जब हम छोटे छोटे थे तब भी ये मेरे बहुत साल से फ्रेंड है और यहाँ पे आना जाना लगा ही रहता था। अब हम थोड़े दूर हो गए हैं बस थोड़े से, लेकिन अभी भी आना जाना लगा रहता है, दूर रहे। तो ये बड़े प्यार से मेरे लिए पोहा बना के लाई है ये लड़की, और तू खा भी नहीं रही है क्योंकि गाइस मुझे थोड़ा खाने वाने में थोड़ा मैं वो हूँ, ड्रामेबाज नहीं। तू है प्रिया, मैं तेरे सामने तेरी तारीफ नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और अच्छा बना है, तूने दिल से बनाया तो अच्छा ही बनना था, थैंक यू, सच में अच्छा है। सिखर तो पैर नु जान मेरी, गाना नहीं आता अच्छा, मेरे पीछे की जला दी जिसमें पूरी देखूं, मैं मेरे शक्ल नहीं आ रही यार, अच्छी लग रही है ना, जान तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सारे ला दे, कॉपीराइट आ जाएगा,
तो गाइस मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मैं इसके घर आई से कैसे लगा, हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, हम गाने गा के हम स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी खुद की शक्ल इस कैमरे में ठीक ठीक आती है, पर स्नैपचैट से हम चमक जाते हैं बहुत पैसा लेते तो बिना उसके भी अच्छा होता करो सबका न्यू ईयर ऐसे होता होगा, शोर मचाते होंगे, पार्टी होती होगी और यहाँ पे हम कर रहे हैं बातें अपना छुड़ाई इसके घर से जा रही हूँ, ये मुझे भगा रही है, मैं भगा नहीं रही हूँ, ये ज़ूम क्यों नहीं हो रहा, फोन थोड़ा खराब है, तो फिर अब हम निकल रहे हैं ऐसे और अभी मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलूंगी, यही काम रह गया मुझे, तो ये थी वो स्वीट सी लड़की, बाय बोलो सबको, बाय बाय बाय, लव यू, तो अभी मैं अपनी एक और फ्रेंड से मिलूंगी जो मैं आपको दिखाऊंगी रास्ते में, तो चलिए चलते हैं, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा मन बिल्कुल नहीं है अभी, अभी इसने मुझे यहाँ पे पुच्ची कर दी, गाइस इसने मुझे पुच्ची कर दिया, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक नहीं है वातावरण, तो जी करदा भाई जी करदा तन कोल बिठावा जी करदा आए हाय मेक आउट कर लेती मैं बेचारी रास्ते में खड़ी हो गया, कह रही मेरी लास्ट से जाना पड़ेगा ये है वो दूसरी लड़की जिससे मुझे आज मिलना था, तो आज का कार्यक्रम खत्म होता है मेरा मिलने जुलने का, हैप्पी न्यू ईयर बोल, हैप्पी न्यू ईयर, कितनी बुरी हाल है, तबीयत खराब है और ये अभी सो के उठी है, सो मेरा फ्रेंड कैमरा अच्छा है।